मनीषा को दिल्ली बुला ले प्रेरणा दीदी 100% यार मैं मनीषा को बोल रहा हूँ कि भाई दिल्ली आजा, दिल्ली आजा, विल मेक गुड वीडियोस व्लॉग्स एंड बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस भी करेंगे। यूट्यूब पे अपना बिग बॉस कब स्टार्ट कर रहा है? अब अगला प्लान यही है भाई। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव 19 अगस्त को शाम करीब 4 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आए और महज 2 से 2.5 मिनट में ही उन्होंने बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि एल्विश के इंस्टाग्राम लाइव पर 5,95,000 यूजर्स थे जबकि एमसी स्टैन के 5,41,000। एल्विश के बाद बीबी ओटीटी 2 के फर्स्ट रनर अप अभिषेक मल्हान भी इंस्टाग्राम पर लाइव आए लेकिन वो एल्विश यादव का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सके। एल्विश यादव के बाद अभिषेक मल्हान ने भी इंस्टाग्राम पर को बताया कि वो रात को 7 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे। जब वो आए तो उनकी अच्छी सेहत देख फैंस काफी ज्यादा खुश भी हुए। कुछ ही मिनटों में उन्हें हजार और फिर लाखों लोग देख रहे थे। हालांकि आंकड़ा सिर्फ 3,41,000 ही पहुंचा। इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अभिषेक मल्हान ने कई खुलासे भी किए। उन्होंने सबसे पहले ये क्लियर किया कि घर के अंदर पूजा भट्ट के पास फोन नहीं था। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि पूजा जी करीब 10 से 15 बार कन्फेशन रूम में जरूर जाती थी। उन्होंने ये भी बताया कि बिग बॉस 1% भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। 6 से 8 घंटे तक ब्लाइंड के अंदर रहना पड़ता है, टास्क की तैयारी होती रहती है, लोगों से लड़ना पड़ता है और उन्हीं लोगों से अगले दिन बात भी करनी पड़ती है। यूट्यूबर अभिषेक मल्हान ने खुलासा किया कि वो जल्द ही मनीषा रानी और पुनीत सुपरस्टार के साथ वीडियो भी बनाएंगे। वहीं उन्होंने बेबिका धुर्वे को अपना अच्छा दोस्त भी बताया। अभिषेक मल्हान ने ये भी खुलासा किया कि वो घर के अंदर बहुत बीमार हो गए थे। उन्होंने जब बिग बॉस से अपनी हालत बताई तो उन्होंने बोला कि सिर्फ वायरल हुआ है लेकिन हालत खराब देख और अभिषेक के कहने पर जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो पता चला कि उन्हें डेंगू हो गया है। डॉक्टर ने उन्हें फिनाले पर भी जाने से मना किया था लेकिन वो अपने फैंस के लिए वहां पर गए। इसके अलावा उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी सलाह दी कि जो लोग बिग बॉस में जाने का सोच रहे हैं तो ये बात जान लें कि वहां रहना बहुत मुश्किल है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं।